हमारे साथ इस समय मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं में शुमार और स्वास्थ्य समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रभारों के मंत्री टीएस सिंहदेव जी। सिंहदेव साहब, ऐसा लगता है कि आजकल कुछ ट्वीट्स को लेकर आप खासे चर्चाओं में हैं और कहीं ना कहीं आपका रोष भी नजर आता है उसमें। ट्वीट्स भी एक सशक्त माध्यम बन गए हैं संवाद का, ये सही है। और मुद्दे ऐसे आए अगर तो उसमें कभी कभी अपनी बात भी रखनी पड़ती भी है और रखनी भी चाहिए। तो बच्चों की तरफ से लगातार मेरे पास भी और अन्य हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के पास भी, संगठन के लोगों के पास भी ये ट्वीट्स आ रहे थे, मेल से मैसेजेस आ रहे थे कि उनकी नौकरियों के संदर्भ में क्या होगा। एक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, 42-43 साल में देश में जितनी बेरोजगारी नहीं हुई उतनी आज विद्यमान है। और ये तो देश की स्थिति है, और उस स्थिति में छत्तीसगढ़ में देखें तो वहाँ भी स्थिति चिंताजनक रहती है। तो उनकी भावनाएं ऐसी तीव्र थी। और एक ट्वीट में बच्चों ने ये भी कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलते। तो हम लोगों ने सब ने मिल के जो बातें रखी थी चुनाव के पहले, ये किसी व्यक्ति की नहीं रहती, साझा टीम की रहती है, पार्टी की रहती है। हाईएस्ट लेवल से ओके होता है तब फिर वो बातें सामने हम लोग चुनाव में रखते हैं। उन बातों पे हम लोग कायम हैं। ये कठिन हो जाता है कहना कि कोई भी लक्ष्य हम रखते हैं तो एक दिन आए सरकार में पूरा करने की बात नहीं रहती है, एक एक करके उनको लेना पड़ता है। आर्थिक उसके पीछे सीमाएं भी रहती हैं, और 5 साल का अमूमन एक लक्ष्य रहता है कि 5 सालों में हम लोग ये करने का प्रयास करेंगे। अलग अलग वर्ग के मन में ये अवश्य बात आती है कि हमारा पहले हो जाता। लेकिन आपने बड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है। आमतौर पर राजनीतिक दल जो है वचन पत्र अपना भूल जाते हैं, खासकर बेरोजगारों के मुद्दों की बात की जाए तो इस एपिसोड से आपको कौन से वो वादे याद आ गए जो हो जाना थे या बेरोजगारों दूर करने में सहायक होते हैं? घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक बिंदु रखा था, विशेष करके अधिकारियों और कर्मचारियों के संदर्भ में। अलग अलग समूहों से हम लोगों ने भेंट की थी और लगभग 34 बिंदु थे जो एक पॉइंट में कर्मचारियों के संदर्भ में, उनके यूनियन है, इन लोग से सबसे हम लोगों ने बातें की थी। और फिर हमारी जो कमेटी थी उसके सामने सब बातें गईं, ऑल इंडिया लेवल की कमेटी है उनके सामने बातें गईं, शीर्ष भी इसको देखते हैं, फिर इसकी रिलीज भी उनके माध्यम से ही हुआ। तो उस दरमियान में जो बातें आई थी उनको हम लोगों ने एक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य ये प्रमुख बिंदु थे, और उनमें अधिकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं थी और आवश्यकताएं थी या उनकी मांगे थी उनको भी हम लोगों ने रखा था। आशा वर्कर्स हैं, मितानिन हैं, कोविड का समय है, कितनी मेहनत वो करते हैं, उनको क्या मिलता है। आप देखेंगे राशि के रूप में देखेंगे तो उनको शुरू में सोशल वर्कर के रूप में रखा गया था, लेकिन आज 8 घंटे से ज्यादा वो काम करते हैं। बुनियादी ढांचा अगर स्वास्थ्य विभाग का है उनकी मांगे हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, सहायिका हैं, हमारी भविष्य की पीढ़ी को संवारने का काम उनका है। तो हर वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, अभिलाषाएं थी, जायज उनकी बातें थी। कर्मचारी थे, कुछ रेगुलर नहीं है, कुछ डेली वेजेस में है, किसी के पेंशन की बातें थी, बहुत सारी बातों का हम लोगों ने संकलन किया था और उनको प्रस्तुत किया था। तो ये एक वर्ग मान लें, किसान एक वर्ग हो गया, महिलाएं एक वर्ग हो गया, यूथ एक वर्ग हो गया, ऐसे ही एक वर्ग शासकीय कर्मचारी, उनकी जो बातें थी वो सामने आती रही। तो ये उसका एक हिस्सा मान लें सम्मिलियन का। वो सम्मिलियन की दिशा में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सरकार लगातार उनको रेगुलराइज करती चली जा रही है। अभी 1 जुलाई कल उसमें फिर एक बैच, बड़ा बैच सम्मिलियन उनका हो जाएगा, उनकी भी पोस्टिंग होगी। तो ये क्रम से जो काम चल रहा है उसमें बच्चों की ये बात आना, तो वो मेरे दिल को वो बात छू गई कि आप चुप क्यों हैं। यानी आज के दिन लोग चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में अगर हमने जिम्मेदारी दी है तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस भावना का आदर करते हुए मैंने उन बातों को रखा था कि लगातार कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी इस पर चिंतन करते हैं, सारे साथी इसमें बात करते हैं, तो कहीं हम लोग उस बात को भूले नहीं। हमारे बात से चुनाव आया गया, लिख के कागज में कुछ भी लिख दिया,
और वो घोषणा पत्र तो होते हैं, संकल्प पत्र तो होते हैं, वो फिर अगले चुनाव में फिर देखेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन कठिन परिस्थितियों में भी, आर्थिक एवं अन्य कठिन परिस्थितियों में भी, कि एक एक करके वर्गवार हम अवसर और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते चलें। तो उस बाबत मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मेरे को उन्होंने प्रश्न किया कि आप चुप क्यों हैं, टीए सिंहदेव आप चुप क्यों हैं, तो अपनी भावना एक ये कहना कि हम वास्तविक रूप में आपके साथ हैं, सोचते भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, कई कठिनाइयां हैं कि हम लोग उसमें पहल कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि आप लोग को छोड़ दिया है आपकी चिंता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों को देखते हुए आपने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन एक दूसरा कदम कुछ ज्यादा ही आगे दिख रहा है, जो आपने कहा कि राहुल बाबा को लेकर जो जिक्र किया है, और जो चीजें अगर पूरी नहीं होती हैं तो आपने ये भी कहा है कि मेरे जनप्रतिनिधि रहने का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो कुछ ज्यादा लगता है। हम लोग के कोर कमिटमेंट्स में एक कमिटमेंट था किसानों के लिए। राहुल जी ने जो पहली चुनावी मीटिंग ली छत्तीसगढ़ में, चुनाव अभियान चालू किया, तो संयोग से उन्होंने सरगुजा जिले के सीतापुर से उनने पहली सभा ली थी, और वहाँ उनका पहला ये बयान आया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर हम किसानों की ऋण मुक्ति और 2500 रुपये धान की खरीदी के दाम को देने की बात को हम लागू करेंगे। और इसको हम लोगों ने किया भी, पहली कैबिनेट 10 दिन भी नहीं लगे, शपथ के 3 घंटे के अंदर पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें उस समय तक 3 ही मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी के साथ 2 और जिनने शपथ ली थी, और उस कैबिनेट की बैठक में ही ये फैसला ले लिया कि हम ये दोनों चीज हम तात्कालिक लागू करेंगे। उस पे अब प्रश्न लगाना विपक्ष की तरफ से, उस पे ये कहना कि राहुल जी के उस कमिटमेंट को जिसको कैबिनेट ने निर्णय लेके लागू कर दिया है, आप एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग ऐसे ही चिंता में हैं, आर्थिक स्थितियां अत्यंत दबावपूर्ण और चिंताजनक हैं, और उसमें जो उनको मिलने वाला है उसके ऊपर भी आप सवाल एक लगा दे रहे हैं, मानसिक दबाव बना दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं लोग, तो क्या ये जिम्मेदार, विपक्ष की जिम्मेदार बात होगी? जो चीज होने वाली है, जिस चीज का निर्णय लिया जा चुका है, आप लोग भी कैबिनेट में रहे होंगे, आपने भी, आप भी जानते हैं कि कैबिनेट के फैसले का अर्थ क्या होता है, और लागू नहीं करने वाली बात कैबिनेट से पास नहीं होती है, कैबिनेट से पास हो गया मतलब वो अब उस प्रदेश की नीति हो गई, केवल उसको क्रियान्वित करना है। इन परिस्थितियों में अगर आप उस बात को कह रहे हैं, तो मैंने ये कहा उस भावना को व्यक्त करते हुए कि बात रुकनी चाहिए, कैसी रोकी जाए, मैं शब्द के बदले शब्द कहूंगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो चलिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहूंगा, अगर ये हो गया तो आप इस्तीफा देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, आप विपक्ष की तरफ गए, मैं भी विपक्ष की तरफ जाना चाह रहा था। आपने जो ट्वीट्स किए हैं और विपक्ष का आपने स्पष्ट कर ही दिया, लेकिन इससे कुछ राजनीतिक हलकों में दूसरी तरह की भी चर्चाएं होती हैं, थोड़ी सी दुर्भावनाएं भी पैदा होती हैं, तो इस तरह की तो कोई चीज नहीं है? नहीं नहीं, कभी कभी ये बात आती है कि ज्योतिराज जी ने यहाँ कुछ किया तो यहाँ कुछ तो नहीं हो रहा है, मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए 100 जन्म में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। जी मैंने वही कहा कि विपक्ष फिर अपनी तरह से हर चीज को ट्विस्ट करता है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है उसका, ये भी मैंने हमेशा कहा है कि जिस दिन आवश्यकता नहीं रहेगी तो भले घर में रहेंगे, कि लेकिन 100 जन्म मेरे लिए तो एक ही जन्म है, लेकिन 100 भी होंगे तो कांग्रेस के ही रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपने खुद बोला कि जो वचन पत्र है पूरा करने के लिए पूरे 5 साल लेते हैं, लेकिन जो अब जो अभी जो अरसा गुजरा करीब 1.5 साल का, उसमें जो समस्याएं आप खुद ही उठाते रहे हैं, बड़ी शिद्दत से आपने ली हैं, बहुत गंभीरता से ली हैं, बेरोजगारी की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, कर्मचारियों और सब तमाम आपने स्वास्थ्य कर्मी को बताए, कितना सफल मानते हैं सरकार को अपना? इतने कम समय में, मैं भी विपक्ष में रहा 10 साल, विधायक के रूप में मैंने भी विपक्ष में भूमिका निभाई, मैं नहीं सोच सकता था कि 1.5 साल के अंदर ऐसे निर्णय हो सकेंगे। दूसरी सरकारों को मैंने देखा, विधानसभा में हम लोगों ने एक प्रश्न लगाया था विपक्ष में रहते हुए कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कितनी घोषणाएं क्रियान्वित हुई हैं, और असेंबली में जवाब आया था 0, मतलब मैं भी भौचक रह गया था कि ये जवाब असेंबली में आ रहा है कि 0। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, मैं ध्यान में रखता हूं कि अगर किसी चीज को बोला तो कल के दिन की जवाबदेही
का भी सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ आईना नहीं है जो रोज सुबह हम लोग देखते हैं, ये लोगों के सामने कही हुई बात का लोगों के सामने खड़े होके जवाब देने की स्थिति बनती है। इसलिए इन चीजों में आप देखें कि बड़े बड़े निर्णय, लोहांडी गुड़ा में टाटा कंपनी ने जिस जमीन को किसानों से लिया था, एक उद्योग या खनन के उपयोग के लिए उन्होंने लिया था, देश में दुनिया में शायद कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में यह निर्णय हुआ कि वो जमीन किसानों को वापस की गई। दुनिया में मैं नहीं जानता कि ऐसा उदाहरण होगा, शायद कहीं हो, देश में तो मैंने नहीं देखा। इसको छोटा कदम अगर माना जाए तो फिर मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं। फूड सिक्योरिटी, हम लोगों ने इस बात को रखा था कि फूड सिक्योरिटी को हम लोग यूनिवर्सल करेंगे, हर व्यक्ति को इसमें मिलेगा। मध्यम वर्ग भी हमेशा ये कहता है कि हमारे लिए क्या होता है, ये पार्टियां आती हैं कहती हैं अक्सर गरीबों की बात करती हैं, उद्योगपतियों की बात करती हैं, मध्यम वर्ग के लिए क्या है। तो मध्यम वर्ग के लिए फूड सिक्योरिटी के तहत 10 रुपए किलो में चावल देने की बात उनके लिए भी कार्ड लागू करके सुनिश्चित करना, मैं नहीं समझता कि अपने आप में राशन कार्ड के साथ में स्वास्थ्य की सेवाओं को जोड़ना, और ये पहले भी था कि 50,000 तक सभी के लिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। गरीबी रेखा में जहां 43 लाख परिवार थे, 54 लाख परिवारों को 5 लाख तक की व्यवस्था दी, और उसके आगे इसमें मध्यम वर्ग भी आता है, सारे वर्ग आते हैं, कि चिन्हांकित 14 बीमारियों के लिए 20 लाख रुपए तक के अगर खर्चे की बात आएगी तो उसको भी सरकार देगी। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी इतनी बड़ी बात को कहना और लागू करना मैं नहीं समझता कि छोटी बात माना जाना चाहिए। बिजली के खपत के संदर्भ में बिजली बिल हाफ, ये चुनाव के समय हम लोगों ने कहा था, ये तो ऐसे ही है, लोग कहते रहते हैं कहां से करेंगे। आखिर 1,000 करोड़ रुपए के आर्थिक कमिटमेंट को पूरा करते हुए 400 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा करने का काम अगर इस सरकार ने किया तो 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके नागरिकों को आज उसकी राहत पहुंचाई जा रही है। मैं नहीं समझता कि ये छोटी बात होगी। तेंदुपत्ता का खरीदी भाव जो ग्रामीण क्षेत्र में और वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, तेंदुपत्ता उनके लिए अहम बात होती है, 2500 रुपए के स्थान पर 4000 रुपया करना, मैं नहीं समझता कि ये छोटी बात है। ये और बात कह सकते हैं कि नहीं, ये तो हो चुका, आगे की बात कही तो आगे और होगा। भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट वहां बैठ के उनके साथ निर्णय करती है, और अनेकों निर्णय आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री 5 डिसमिल से कम रजिस्ट्री का अनुमति ही ले लिया गया था कि अगर आपके पास 5 डिसमिल से छोटी जमीन का टुकड़ा है तो आप बेच नहीं सकते, किस प्रकार का निर्णय था, उसको वापस करना, रजिस्ट्री रेट को कम करना। शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये बातें हैं, व्यवसाय या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये बातें हैं, उसको लागू करना, ट्रांजैक्शन जो 30% रजिस्ट्री शुल्क को कम करना, ये छोटे फैसले नहीं हैं। जमीन के पट्टों का मालिकाना हक देना, आपको लीज में गरीब को जमीन दी हुई है 600 वर्ग फुट, 900 वर्ग फुट, 1200 वर्ग फुट, अलग अलग शहर की इकाइयों में उसका पट्टा आपको देना, ये छोटी बात नहीं है, इसको 1.5 साल के अंदर लागू किया है। जो शासकीय भूमि में उपयोग, रहायशी उपयोग में आने वाली भूमि में अगर आपका कब्जा है, आए दिन कब्जा हटाओ, एक तलवार लटकी रहती है नागरिकों के ऊपर कि कब्जा भूमि है, ना लोन मिलेगा, ना वो कल के दिन बुलडोजर आ सकता है, तोड़ सकता है, वहां सरकार को कुछ काम चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए ले सकते हैं, उसके पट्टे की व्यवस्था करना, 750 वर्ग फुट तक के आप कीमत पटाइए, एडिशनल कीमत पटाइए, राजस्व भी सरकार को प्राप्त होगा, शासन की संपत्ति कब्जे में है, उसका उपयोग नहीं हो रहा, नागरिक भी रिलीफ महसूस करेगा कि चलो हमको हक तो मिला, हमको मालिकाना हक हमारा मिला, वो कब्जे की बात खत्म हुई। अनेकों ऐसे फैसले हैं, विद्युत विस्तार से लेके सड़कों के कार्य से लेके, अभी तो कुछ प्रभाव पड़ा है, कोविड का प्रभाव पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक और ये देखना पड़ेगा कि आगे ये ट्रेंड मेंटेन होता है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था को जिस तरह से पोषित करने का काम मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ में किया गया है, 3 महीने के अंदर जीएसटी का रियलाइजेशन पिछले साल
कि जून के महीना की तुलना में केवल 3% का डेफिसिट रह गया। अगर पैसे अर्थव्यवस्था में नहीं रहते, अगर खर्च करने की स्थिति में नागरिक नहीं है तो टैक्स कहां से आएगा? आप कुछ खरीद रहे हैं तभी तो जीएसटी आ रहा है, एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को हमको मिल रहा है। तो वो 600 कुछ करोड़ जो पिछले साल 650 के आसपास था, 620-630 करोड़, 3% डेफिसिट में आज छत्तीसगढ़ जीएसटी के मामले में सामने खड़ा हुआ है। तो मैं इसको एक शुभ संकेत मानता हूं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का, कि इस परिस्थिति में भी अगर टैक्स सरकार के पास आ रहा है तो नागरिकों के पास पैसा है खर्च करने के लिए, तब वो उस पैसे को भी खर्च करके अपना काम भी चला रहे हैं और शासन को भी टैक्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो बड़ा संकेत मैंने जून माह के इस आंकड़े को माना है अपनी अपनी सोच में, पर ये आगे चलेगा तब उसको और पुख्ता ट्रेंड मानेंगे हम लोग। आपने निश्चित तौर पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई जो बताती हैं कि सरकार ने जनता के लिए कितने उपयोगी काम किए हैं, और अभी इस सब के बावजूद भी आप बड़े संवेदनशील हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं गंभीरता से लेते हैं, और चूंकि एक बहुत वरिष्ठ कैबिनेट के सदस्य हैं, आपको कुछ लगता है कि जो आपके साथी हैं उनके लिए शायद आप कोई संदेश दें जो आप शिद्दत के साथ लोगों के प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करते हैं? सब परिपक्व साथी हैं जो कैबिनेट में आते हैं या चुन के आते हैं, सीधे कोई नहीं चुन के आ सकता है। लेकिन आपके जैसा शिद्दत के साथ चीजें स्वीकार करना बहुत बड़ी बात लगती है। वो तो अलग अलग अपना तरीका रहता है। मैं कहता हूँ बार बार क्रिकेट खेलता हूँ कि कोई ओपनिंग बैट्समैन है, कोई फास्ट बॉलर है, कोई स्पिनर है, कोई फील्डर है, अच्छा कोई स्लिप्स में है तो कोई डीप में फील्डिंग करता है। अपने अपने नेचर अपने अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से हम सब काम करते हैं, लेकिन हम सब कमिटेड हैं। टीम के कप्तान भूपेश बघेल की कप्तानी में हम लोग काम कर रहे हैं और लक्ष्य हम लोग सबका एक है। तरीके अलग हो सकते हैं, कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर हो सकता है, कोई ऑफ ब्रेक बॉलर हो सकता है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के जितना हम काम आ सकें, 5 साल का भी लोगों ने समय दिया है, जितना हम काम आ सकें उनके हम लोग अपना काम करें और आने वाले समय के लिए पुनः विश्वास हासिल कर सकें। अब थोड़ा सा गंभीर मसले पे आते हैं, चूंकि कोविड तो पूरे देश में फैला है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? शुरुआत में तो देखने में आया था कि लाजवाब आप लोगों ने उसको रोक के रखा था, अभी क्या स्थिति है और आगे क्या योजना है आपकी? छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया में कोविड नहीं था, कोविड एक जगह से आया, चाइना के वुहान शहर के और वहां के जो वहां का प्रोविंस था, वहां से ये देश चाइना में भी कुछ फैला, यूरोप के देशों में फैला, ब्रिटेन में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा, और वहां से आने वाले हमारे नागरिकों के साथ, चाहे वो स्टूडेंट्स रहे हों, चाहे वो टूरिस्ट रहे हों, चाहे वो बिजनेस पर्सन रहे हों, जो इन देशों में प्रभावित देशों में गए थे उनके साथ कोरोना आया। और जिस जिस संख्या में प्रभावित लोग देश में आते गए, छत्तीसगढ़ में भी उसी तर्ज पे आते गए, उस आधार पे आपको कोरोना की संख्या दिख रही है। टेस्टिंग पहले बहुत कम थी, नहीं के बराबर हमारे पास एक टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे देश में थी जब कोरोना की शुरुआती बात हुई, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक सेंटर था। दवाइयां हमारे देश में नहीं बन रही थी, पीपीई किट्स हमारे देश में नहीं बन रहे थे, हमारे देश में कोरोना के संदर्भ की तैयारी ही नहीं थी, ना उसके जांच परख करने की व्यवस्था थी, सुविधा थी। उसको बढ़ा के जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे संक्रमण फैल रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है कि ये संक्रमण फैला है, और ज्यादातर ये संक्रमण शहरी क्षेत्रों में फैला, और शहरी क्षेत्र में काम करने वाले अन्य प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहां समय समय पे काम करने के लिए जाते हैं और खेती के समय अमूमन फिर वापस जाके अपनी खेती करके फिर वापस चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम कौन से गांवों में होगा? बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनती हैं, सरकारी बंगले बनते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं इत्यादि, तो इन लोगों को बुला के वहां पर काम में लिया जाता है। अर्बनाइजेशन एक यूनिवर्सल ट्रेंड है, शहरों की तरफ आबादी जा रही है, उनके लिए घर बनाने लेबर कहां से आएगा? कुछ खेती के लिए जाते हैं कम तुलनात्मक, फिर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ऐसे ही अप्रवासी लोग जाते हैं, वो फैक्ट्रियां ज्यादातर कहां हैं? शहरी क्षेत्रों में, चुने हुए क्षेत्रों में।
तो इन क्षेत्रों से जैसे ही लॉकडाउन के बाद लोगों का वापस जाने का क्रम चालू हुआ, तो ये संक्रमित हो के लोग जो अपने अपने प्रांतों में गए, तो हर प्रांत में ये संख्या बढ़नी ही थी। और चिंता हमारी अभी भी इस बात की है कि जो संक्रमित हो के आ रहे हैं, कम से कम वो चिन्हांकित हैं। पहले दौर में विदेश से आने वाले लोग, किसको हमको देखना है? विदेश से आने वाले व्यक्ति को, एयरपोर्ट में उतरे, जहाज से आए पानी के फलाने पोर्ट में उतरे, वहां से रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड कंप्यूटर में चढ़ता है, वो राज्यों को जाता है, तो हमको मालूम था कि ए को देखना है, बी को देखना है, सी को देखना है, इनके लक्षण तो नहीं आ रहे, आइए जांच करा लीजिए इत्यादि। सेकेंड राउंड आया निजामुद्दीन में, जो एक मीटिंग हुई तबलीगी जमात के लोगों ने जो मीटिंग की, देश भर में इसकी जानकारी गई कि उसमें संक्रमित लोग हो गए हैं और डेथ्स भी हुई, तमिलनाडु में हुई, तेलंगाना में हुई। तो एक चिन्हांकित ग्रुप था कि जो लोग वहां पर मीटिंग करने गए उनके माध्यम से संक्रमण फैल रहा है, तो उनको देखिए, तो उनको देख सके, उनपे जो भी नियंत्रण हो सकता था वो पाए, कंटेनमेंट करना, कर्फ्यू लगाना, उनको चेक कराना, उनका उपचार कराना। तीसरा दौर आया फिर चिन्हांकित लोगों का कि कोटा से बच्चों को घर वापसी का एक दबाव बना, कोटा कोटा कोटा, बसें 200 बसें यूपी सरकार ने बॉर्डर पे भेज दी हैं, केंद्र सरकार पे दबाव बनाया गया, कोटा के बच्चों के साथ कुछ मजदूर के साथ साथ वापस आए। तो ये फिर चिन्हांकित लोग थे कि किसको आपको देखना है, इनको देखना है, ये सबके बीच में एकदम खुल के ना मिले, देख लें कि सब ठीक हो जाए, फिर सामाजिक गतिविधि में जाएं। आपके पास समय था और जाना हुआ लक्ष्य था कि आपको क्या करना। फिर चिंताजनक चौथा दौर आया, ये अप्रवासी मजदूर जब वापस आने लगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहले ऐसा एक आंकड़ा आया था कि 1.25 लाख 1.5 लाख लोग हो सकते हैं, दूसरा आंकड़ा आया कि नहीं 2.5 लाख 4 लाख लोग हो सकते हैं, तीसरा आंकड़ा आया कि नहीं 5 लाख पार होगा, आज का आंकड़ा है कि 6,99,000 लोग आने की संभावना है। विदेश से कितने लोग आए? 4,000। आज अप्रवासी कितने आ रहे हैं? 6,99,000 लोगों के आने की संभावना है, और इसमें से जितने लोग संक्रमित होंगे उनको भी चिन्हांकित करके उनके लिए व्यवस्था देना, और उनके माध्यम से अब ना फैले। पहले 4,000 लोगों के माध्यम से फैलता, एक व्यक्ति कहते हैं कि 425 से 450 लोगों तक संक्रमण पहुंचा सकता है, तो 4,000 लोगों के माध्यम से उसको कंटेन करना, तबलीगी तुलनात्मक अलग अलग राज्यों में कम, करीब 1300 1500 3000 लोग थे जो अलग अलग जगह गए, हर राज्य में कम संख्या में आए, फिर कोटा के बच्चे, फिर एक सीमित संख्या 2500 2800, फिर मजदूर आए, अब लाखों में 1-2 करोड़ से ज्यादा, और 2 करोड़ को आप 430 से गुणा कर देंगे तब तो देश की आबादी ही पार हो जाती। तो इतनी बड़ी संख्या और मात्रा में प्रभावित, संभावित प्रभावित लोग, और उनके माध्यम से कोरोना का फैलने की संभावनाओं को देखना, समझना और रोकना, इस बड़ी चुनौती में छत्तीसगढ़ प्रयास कर रहा है देश के साथ कि इनके लिए व्यवस्था भी बनाना। 7 लाख लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए छोटी बात नहीं थी कि हम इनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसमें भी कमियां, ये देखना वो देखना, जो लोग उनको देखने जा रहे हैं उनको संक्रमण ना हो, कहीं सचिव को संक्रमण हो गया, कहीं नर्स को संक्रमण हो गया, कहीं डॉक्टर को संक्रमण हो गया, लोग उनसे मिलने तो नहीं आ जा रहे हैं, रात में कहीं खबर आ रही है कि यारी दोस्ती में दीवाल फांद के लोग आ गए, साथ में सिगरेट पी रहे हैं संक्रमित व्यक्ति के साथ में उनके यार दोस्त भी, बहुत सारी छोटी बड़ी बातें, इनको देखने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास, और जांच की व्यवस्थाओं को बढ़ाना। जहां हमारे पास एक भी लैब नहीं था, पहले एक ही था देश में, तो हमारे पास एक भी नहीं था, एम्स में आया, फिर 3 मेडिकल कॉलेज में आया, 3 और मेडिकल कॉलेज में पहुंचा रहे हैं, फिर टेस्टिंग की मांग, रैपिड टेस्टिंग किट की मांग, ये सब नहीं था। ये जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी चुनौती बताई आपने कोरोना की। एक बहुत अहम सवाल उठता है, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, केंद्र से आपको कितना सहयोग मिला? कम से कम इस दौर में ये तो रहा कि केंद्र के मंत्रियों ने बात करने की भी पहल की समय समय पे, शुरुआती दौर में खास करके, अभी वो कम हो गया है, पर ये अच्छा है कि होते रहना चाहिए, कोरोना के समय ही तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि साल में अगर महसूस हुआ कि बात करनी चाहिए राज्यों से,
हमारे केंद्रीय मंत्री गणों को, तो इसको एक स्वच्छ स्वस्थ परंपरा के रूप में अपनाते हुए मैं समझता हूं कि कोरोना काल की ये देन हो हमारी प्रजातांत्रिक फेडरल व्यवस्था को कि केंद्रीय मंत्री भी राज्य के अपने मंत्रियों से और प्रधानमंत्री जी भी अपने मुख्यमंत्रियों से कम साल में दो बार तो इंटरेक्शन करें, विजिबल इंटरेक्शन करें, उसमें कई चीजें हल होती हैं। अब तक के सहयोग से संतुष्ट हैं आप? ठीक है, ये नहीं कह सकते कि उनने अनदेखा किया, डायरेक्शंस लगातार आते रहे, ICMR से डायरेक्शंस आते रहे कैसा करना, प्रोटोकॉल्स आते रहे, दिल मांगे मोड़ तो रहते ही है। अभी तक जैसे कह ले वेंटिलेटर्स हमको एक भी नहीं मिला, 40-50 हजार वेंटिलेटर खरीदने की बात आई थी, हमको अभी तक आवश्यकता भी नहीं पड़ी क्योंकि केसेस उतने नहीं हुए, अभी तक 14 डेथ्स हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो वेंटिलेटर 922 हमारे पास उपलब्ध है, तो सही में वैसी जरूरत भी नहीं पड़ी। और पहले की तुलना में पीपीई किट्स भी कुछ उन्होंने भेजे, टेस्टिंग किट्स भी उन्होंने कुछ भेजे, तो केंद्र की सरकार ने ना किया हो ऐसा भी नहीं है। चलिए, आपकी दिल मांगे मोर बात से एमपी में लौट आते हैं। एमपी से आपका गहरा जुड़ाव है, तमाम राजनीतिक पहलुओं से आप वाकिफ हैं, यहाँ पे भी दिल मोर मांग रहा है, उसी हिसाब से आपने सब कुछ अब तक देखा ही हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कवायदें चल रही हैं, क्या लगता है आपको आगे? मेरे को ये सुनने में आया था कि एक तो नए गवर्नर के रूप में मनोनीत हुए हैं तो उनका शपथ होना, उनके शपथ के बाद में शपथ लेने के बाद वो शपथ दिलाएं, ये सब बातें हो रही थी, और कोई बहुत नई चीज तो नहीं होनी है। सिंधिया जी के साथ जो लोग गए उनमें से कुछ लोगों को मंत्री पद मिलना, भाजपा में भी थोड़ी उहापोह की स्थिति लग रही है कि नए लोग जो कांग्रेस में आमने सामने खड़े होते थे वो अब भाजपा में आ गए हैं, वो कैसे एडजस्ट होंगे, जो लोग चुनाव सामने लड़े थे अब उन लोगों का साथ देना, तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं। 22 शायद उपचुनाव यहाँ होने संभावित हैं, 24 हो गए, तो इनमें क्या स्थिति बनेगी ये देखना है। कांग्रेस कुछ रोचकता नजर आ रही है आपको, क्योंकि आप वहां पे रह के भी यहाँ की खबरें देखते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या महसूस करते हैं, खासकर राजनीतिक स्थिरता की अगर बात की जाए? स्थिति यहाँ की वही है कि कांग्रेस और भाजपा जो आमने सामने लड़ाई करते थे वही कुछ साथी अब भाजपा में चले गए, तो जो लोग वहां के लोगों के लिए नेगेटिव बोला करते थे उन लोगों का कितना साथ मिल पाएगा, और ये टेंशन सुनने में आ रहे हैं कि कई जगह ये टेंशन है कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं वो भाजपा में किस हद तक समाविष्ट कर लिए जाएंगे, आसानी से समाविष्ट कर लिए जाएंगे, ये टेंशन हैं, और चुनाव के परिणाम इसी पे निर्भर करेंगे कि व्यक्ति कांग्रेस और भाजपा, व्यक्ति और जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगा वो दूसरी पार्टी के कितने वोट ले सकता है, उस पे ये परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल, तो स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे TS सिंधु जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर स्वराज एक्सप्रेस के साथ न सिर्फ अपने विचार साझा किए बल्कि काफी कुछ भ्रांतियों को भी खुलकर स्पष्ट कर दिया। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। हम